फिनॉल बनेगा, वेरी गुड, नाइस। सभी लोग रहा करिए क्वेश्चंस पर, और मैं आपको बता दूं, एक दो दिन मैं आपका लास्ट के मंथ के जो लास्ट चल रहा है इसमें एक दो दिन लूंगा, क्योंकि घर पे हूँ, थोड़ा बिजी, बच्चों को भी समय दूंगा, और फिर हम लोग वही अपना जुलाई में शुरू करेंगे बैच। मीन्स दो एक दिन रेस्ट लेकर के, रेस्ट मंद पहुँचेंगे, कॉलेज जाएंगे। थोड़ा मैंने आपको बताया रूटीन में चेंज आता है तो फिर माहौल बदलता है, इसीलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म इसलिए कर दे रहा हूँ जिससे कि आप भी मेंटली प्रिपेयर रहें, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आना जाना मुझे, कहाँ रहता हूँ कहाँ जाता हूँ आपको पता ही है मुझे। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग एनिलीन विद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग एनिलीन विद, जी बताइए। अनमोल इस समय घर पे आया हुआ हूँ, वहीं से पढ़ा रहा हूँ, और अभी एक दो दिन थोड़ा सा जाते समय आप भी जान रहे हैं कि बच्चे हैं, डैडी ये करना है वो करना है रहता है। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग एनिलीन विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl सॉल्यूशन फॉलोड बाई CuCl HCl, जी बताइए। आपने सभी ने जवाब ए दिया है, सभी ने जवाब ए दिया है, बेस्ट है। और इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए, इस रिएक्शन का नाम बताइए, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl फॉलोड बाई, देखो इस रिएक्शन में आपने क्लोरोबेंजीन लिया, बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले आप एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन, इस एनिलीन को आप डाइएजोटाइज करा दीजिए, डाइएजोटाइज कराइए। गलती हो गई लुबना आपसे, गेटरमैन नहीं है ये, एक सैंडमेयर है, सैंडमेयर है, गैटरमैन नहीं है, सैंडमेयर में CU पाउडर होता है। फिर आपसे गलती हुई, फिर गलती हुई आज, और ये गलती आप लोगों ने पहले भी की है। अनमोल, यहाँ पर CuCl और HCl है, सैंडमेयर है भाई, क्लोरोबेंजीन बन गया। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में, मजा आया? बिल्कुल। द हैलाइड विच डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट व्हेन बॉम्ब विद एल्कोहलिक AgNO3, कौन सा हैलाइड है जिसको एल्कोहलिक AgNO3 के साथ गर्म करने पर प्रेसिपिटेट नहीं देता है, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट? तो आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है चेक कर लेते हैं, व्यू थोड़ा बढ़ाता हूँ जी, चलिए बताइएगा। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बताइए। एक केवल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पर डे अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा। क्लोरोबेंजीन है, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्यों नहीं टूट सकता ये, क्यों नहीं देता भावना प्रेसिपिटेट? क्लोरोबेंजीन में क्यों नहीं देता ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट? AgNO3 डालोगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, नो PPT, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है? यस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी कि बेंजीन और क्लोरीन के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है जी, डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट हो जाता है, वेरी गुड, नाइस, पार्शियल डबल बॉन्ड, यही तो बात है ना, सीखना हर कोई चाहता है लेकिन कैसे, यही कोई बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं, बताइएगा। द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, बोलें
क्वेश्चन पढ़िए। द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड एंड एन एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोडियम एंड ड्राई ईथर। जी बोलें। व्हाट्स रिएक्शन है? वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। सी व्हाट्स फिटिक? बिल्कुल। देखिए आपको बताऊं कि एक आपने एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, और एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, तो यहां पर आपका वुड्स फिटिक होता है, नॉट वुड्स, वुड्स फिटिक। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी और जरूर इसका बेनिफिट होगा आपको। Which among the following is the structure of DDT? Minimize करना पड़ेगा। पहला देखिए DDT है या नहीं, पहला देख लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए। मुझे तो दूसरा लग रहा है, फिफ्थ का मुझे बी समझ में आ रहा है, फिफ्थ का मुझे बी समझ में आ रहा है। डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल है, ट्राइक्लोरो है, और दो कार्बन है, इथेन है, बी ही है, एक्यूरेट यही। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। आप लोगों का यही प्यार बना रहे, और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर किया करिए, जिससे कि उन लोगों की तैयारी में भी चार चांद लगते चले जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जी डी के वर्मा जी, पेस्टिसाइड होता है। कार्बन एटम बॉन्डिंग हेलोजन इन हैलाइल हैलाइड इज, बॉन्डिंग है, बोल्डिंग लिख गया है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जी अजय, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, शाबाश। एनिलीन, शिखा सिंह, ठीक है, वेरी गुड। एनिलीन ऑन हीटिंग विद सॉलिड QH एंड कार्बन डाइसल्फाइड। जी बताइए। KSH बन जाएगा, और जब KSH बन जाएगा तो फिर अपनी बुद्धि लगा दीजिए आप। दो निकल जाएंगे, बिल्कुल सही है, डाई एस डाई फिनाइल थायो यूरिया। एस डाई फिनाइल थायो यूरिया आएगी। शिखा आपने रिएक्शन बताया, देखो आपको बताऊं, एस, पहले तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डाई फिनाइल का मतलब दो रिंग जुड़ने हैं। पहले तो आप बुद्धि ये लगाया करो कि जो प्रोडक्ट है क्या वो सही है। देखो यहां पर आपने थायो यूरिया दिया है, हाँ बिल्कुल सही है, थायो ग्रुप लगा हुआ, थायो यूरिया, ठीक है। देखो जब सॉलिड KOH और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे एनिलीन की, कौन बताएगा रिएक्शन? कोई बताने की हिम्मत रखता है? कोई अगर बताने का मन बना रहा हो तो बताइए, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। जी बताएं फटाफट, कोई लोग भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको आंसर बता दिया है, एस डाइफिनाइल थायो यूरिया। नहीं बता सकते हो, चलो कोई बात नहीं, देखो डाइफिनाइल रिंग है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं।
थोड़ा पेन जगह बना लूं, क्योंकि जगह हमें पूरी चाहिए होगी रिएक्शन लिखने के लिए। इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, हमें सबसे पहले एनिलीन लेनी है, तो एनिलीन चाहे रिंग ले लो, रिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे भी लिखोगे तो वैसे भी हो जाएगी। ये हमने, क्योंकि एस डाई फिनाइल थायोरिया बनाना है, तो यहाँ पर हमें एन, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एन इधर, एक एच इधर, ये हमने ले लिया आपका एनिलीन ले लिया। कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करानी है, एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ठीक है। यहां से एच टू एस आप निकाल दीजिएगा। एरो पर आपको क्या लेना है, के ओ एच लेना है और एल्कोहलिक होना चाहिए, सी टू एच फाइव एच पड़ता है। प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको यहां से, एक ये मान लीजिए सी सिक्स एच फाइव एन मान लीजिए, एन हो गया, एच हो गया, फिर यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड एस, सही से बना लीजिए, हाथ हिल गया, सी डबल बॉन्ड एस। फिर आप ऐसे ले लीजिए, कार्बन की चारों वैलेंसी हो गई, एन हो गया, एच हो गया, फिर ये देखो डाई फिनाइल थायो यूरिया बन गया और एस पे लगा हुआ है, तो बना दीजिए एस डाई फिनाइल थायो एरिया, इसी को बोलते, लिख लीजिए आप लोग एस डाई फिनाइल थायो यूरिया। मजा आ रहा है ना क्लास में, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? एट्थ क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद सीओसीएल टू गिव फिनाइल आइसोसाइनेट। अच्छी रिएक्शन है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद सीओसीएल टू एंड टू गिव फिनाइल आइसोसाइनेट। ए होगा, बिल्कुल एक्यूरेट अनुराधा जी, यही होगा एनिलीन, ठीक है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन बताइए, नाइन्थ वाला बताइए। नाइन्थ, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स, नाइन्थ का बताइए। नाइन्थ का बी पढ़ाया था मैंने, यस और नो पढ़ाया था, ऑन ऑक्सीडेशन विद एन ए टू सी आर टू सेवन एनिलीन गिव्स एनिलीन ब्लैक, ऑन कंट्रोल ऑक्सीडेशन द सेम रिएजेंट द प्रोडक्ट इज, अगर कंट्रोल कर दें इसे, द टेंथ वाले को देखिएगा क्या जवाब बोल रहा है, ऑप्शन देखेंगे तब पता लगेगा। यानी एन ए टू सी आर टू सेवन एच टू एस ओ फोर के साथ में एनिलीन ब्लैक देता है, तो यहां बताइए क्या मिलेगा। पैरा बेंजो क्विनोन मिलेगा, पैरा बेंजो क्विनोन। एनिलीन ब्लैक एक सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सॉल्ट फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनता है एनिलीन ब्लैक, पैरा बेंजो क्विनोन यहां बन जाता है। सेम कंडीशन में कंट्रोल कर दीजिए ऑक्सीडेशन, द ट्राइबियल नेम ऑफ द फोर मिथाइल एनिलीन, फोर मिथाइल एनिलीन का ट्राइबियल नेम क्या है, पैराटोलिडीन बोलते हैं, पैराटोलिडीन बोलेंगे, प्रीति सक्सेना, पैराटोलिडीन बोलेंगे ना प्रीति सक्सेना जी, आपने वैसे तो क्लास 5 से शुरू होनी थी लेकिन मैंने आज आपको जोड़ दिया है। प्रीति जी आपकी क्लास 5 से है लेकिन मैंने आज आपको जोड़ दिया है, जिससे आपको एक डेमो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हमें क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। यस डी के वर्मा जी, एनिलीन इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कार्बाइल एमीन रिएक्शन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जी बताएं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है, बी ठीक है। द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन विद जिंक एंड KOH पढ़ाया था, यस और नो? 13 वाला पढ़ाया था, यस और नो? 13th पढ़ाया था, यस और नो? हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, वेरी गुड। 13 का आपने सी जवाब दिया है, बहुत सुंदर, पढ़ाया था ना, यस, क्वेश्चन सही है। ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद एनिलीन टू गिव, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद एनिलीन टू गिव, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, वेरी गुड, नाइस, गुड, बहुत सुंदर। ये देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं कि क्वेश्चन धार धार होने चाहिए। अब देखना थोड़ा सा, जब मैं आपको ले चलूंगा धीरे, मेरा एक आइडिया रहता है इंसान को जब चढ़ाई पे चढ़ाओ, अ डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल टू गिव एन एजो डाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। 15 बताइए, अ डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लगाइए, पीजीटी लिखिए इस पर, इंपॉर्टेंट लगाइए, पीजीटी लिखिए इस पर। ऑन हीटिंग सैलिसिलिक एसिड विद सोडा लाइम द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज, 16 का जवाब दीजिए। ऑन हीटिंग सैलिसिलिक एसिड विद सोडा लाइम, सैलिसिलिक एसिड तो जानते ही आप, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, इसको जब सोडा लाइम के साथ में NaOH के साथ में हीट करेंगे दो बार तो बनेगा पहले फिनॉल का ये बनेगा, फिर दोबारा NaOH डाल दोगे तो केवल फिनॉल बन जाएगा, ओनली फिनॉल, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा लुबना, फिनॉल बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिनॉल बनता है। फिनॉल ऑन हाइड्रोलिसिस, फिनॉल ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, 17, अच्छा 18 कर गए। फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल रेजिन इज बेकेलाइट है, 17 वाले का जवाब बेकेलाइट है, बिल्कुल सही, और 18 वाले का जवाब साइक्लोहेक्सेनॉल या एनहेक्सेनॉल, बताइए इन दोनों में से एक ऑप्शन है। फिनॉल ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 160, साइक्लोहेक्सेनॉल और एनहेक्सेनॉल, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं और इन्हीं क्वेश्चंस के कारण मैं चाहता हूं कि आप लोग बेस्ट रिस्पॉन्स अपना देते रहें, हैं? तो फिनॉल को जब गर्म करते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, वेरी गुड, शाबाश, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ठीक है, बढ़े आगे। पासिंग वेपर्स ऑफ द फिनॉल ओवर रेड हॉट जिंक, खूब पढ़ाया गया है, ये खूब पढ़ाया गया, प्रीति जी बताइए। 19 का जवाब दीजिए, 19 का जवाब दें।
19 का ए जवाब दे रहे हैं सभी लोग। बहुत सुंदर भावना। फिनॉल को जब हम लोग जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन मिलता है, पता है आपको। बहुत सुंदर, नाइस, गुड गर्ल। स्कूल खुल गए होंगे, डेली जा रही होगी भावना। मुझे भी जाना है भाई। बेंजल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद एनिओएच फॉर्म्स बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बीस का जवाब आपने दिया कन्नी झाड़ो रिएक्शन। कन्नी झाड़ो रिएक्शन बिल्कुल सही है अनुराधा जी, भावना, डी के वर्मा जी। कन्नी झाड़ो रिएक्शन, कैनिजारो। यस, यू नो वेरी वेल की द नेम ऑफ रिएक्शन इज कैनिजारो। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। आहा, क्या बढ़िया रिएक्शन। रिएक्शन का नाम कोई बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? बेंजिलडिहाइड बनता है, बिल्कुल सही है। नेम ऑफ दिस रिएक्शन, रोजनमंड। यस, बहुत सुंदर, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत सुंदर, बहुत नाइस, वेरी गुड, नाइस। मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड के ओ एच एट रूम टेम्परेचर। 22 का जवाब सभी लोग दें। 22, चारों ऑप्शन दिखाना पड़ेंगे क्या? एक ऑप्शन तो अगले पन्ने पर चला गया है। चलो पहले इनमें से देखो कोई बनता है, नहीं फिर आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड के ओ एच एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कोई बन रहा है कि नहीं? ढूंढिए इनमें से कोई बन रहा है, मैं रिएक्शन लिखता हूं। मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड नहीं बन रहा है, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, नहीं बन रहा है। ये मेटा पे क्लोरो हो गया तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, रिएक्शन करानी है इसकी KOH कंसनट्रेटेड से, KOH से कराइए। ठीक है, अब आपको क्या करना, पोटेशियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, यानी पहले आपको OK लेना पड़ेगा। यहाँ पर CHO लिया, यहाँ पर पहले OK ले लीजिएगा। ठीक है, इसकी कैनिजारो रिएक्शन करा दीजिए। बिल्कुल सही मनोपाध्याय, कैनिजारो रिएक्शन। एक तो ये सॉल्ट बन जाएगा, मेटा पे क्लोरो कर, सॉरी मेटा पे क्लोरो रहने दीजिए, यहां पर COOK कर दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, COOK और यहां क्लोरो। साथ में मेटा पे क्लोरो रहने दीजिए, उसे मत छेड़िए, और यहां पर CH2OH कर दीजिए। बिल्कुल 100% अर्चिता मनोपाध्याय। एक बनना चाहिए मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, भी बोल सकते हो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड भी अगर होगा ऑप्शन तो वो देखेंगे, नहीं तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। बिल्कुल सही पहचाना है इन्होंने। तो अब 22 को ऑप्शन देख लेते हैं, डी वाला क्या है। तीन तो आप नहीं बता रहे हैं, 22 को ऑप्शन डी वाला देख लेते हैं। बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मनु बताओगे क्या क्वेश्चन ट्विस्टिंग थी? डी ही बिल्कुल सही है, पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा क्लोरोबेंजाइल एल्कोहल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस, वेरी गुड, PGT ओरिएंटेड क्वेश्चन, 100% PGT एग्जाम, PGT एग्जाम 2024 गारंटेड आएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन एकदम धांसू हैं। कैनिजारोज रिएक्शन इन्वॉल्व
बताइए, 23rd को उन्होंने वहीं घुमा दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है मेरे हिसाब से तो, कैनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ ऑटो रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं। बिल्कुल नहीं तो पैसा वापस, बहुत सुंदर। डन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल रिस्पॉन्ड टू कैनिजारोज रिएक्शन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो वो तो हमारे पास यही है, बाकी सब में अल्फा है। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम एंड सोडियम बेंजोइट और बेंजोइक एसिड गिव्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 25वां पर एक अपना मुस्कराहट दे दीजिए, 25वें क्वेश्चन पर। सोडा लाइम सोडियम बेंजोइट, बेंजीन बनता है ना, बहन जी बनती हैं, सिंपल। टॉलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, बहुत आता है क्वेश्चन ये, PGTs में खूब आता है। 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोले बोले जल्दी से, 26वें का जवाब दीजिए। टॉलिन ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 बेंजोइक एसिड बनता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट, 100%। 26 का भी बेंजोइक एसिड बनता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है CH3 ग्रुप का COOH में। एस्प्रिन, ये क्वेश्चन PGT में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मत्था टेक लीजिए इस पर, चरण स्पर्श कर लीजिए इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्प्रिन PGT खूब आया है, पेपर उठाइए 2010 का, 13 का उठाइए पेपर, देखिए 9 का, 5 का पेपर उठाइए, देखिए आया है। 27वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड। बहुत तरीके से आया है, कभी कभी सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद दिस एंड दिस टू गिव, इस तरीके से भी आया है। बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KMnO4, आपको पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड मिलता है, 28 का बी भी होगा, 28 का बी, थोड़ा खाओ, बढ़िया खाओ, अच्छी चाट खाओ, लेकिन देसी घी की टिक्की खाओ, जिन्हें की ठेले पे रोज बतासे 25 अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसी में सब हाइजीन है ही नहीं, कुछ मामला सब ऐसा ही है, हाथ उसी में डाल रहे, उसी पसीना पोंछ रहे, क्या मतलब ऐसे बतासे का है, पानी पूरी खाओ तो बढ़िया खाइए। इस बार का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा अनुराधा जी कैसा होगा, आप टेंशन ना लीजिए, अभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराने दीजिए, लेवल मस्त होगा, बढ़िया होगा, बहुत हाई फाई लेवल नहीं होगा निश्चित है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हुए हैं उनसे ये अनुमान लग गया, मीडियम, ना टफ और ना इजी, मैं आपको बेस्ट लेवल तक ले जाऊंगा। अभी तक आपने BPSC झारखंड सभी के जो लेवल देखे हैं उनमें क्या मेरे क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए आपको पता लग गया होगा, और जो इससे पहले 2021 का PGT हुआ था क्या अनुसर के, उसमें क्वेश्चंस नहीं आए थे, 10-12 क्वेश्चन डिट्टो थे जिन्होंने पेपर दिया होगा, और अगर PGT में 10-12 क्वेश्चन टीचर के डिट्टो आ रहे हैं तो ये शायद अपने में बड़ी बात होती है। द कंपाउंड विच रिएक्ट विद द फेलिंग सोल्यूशन, 29 फॉर्मिक एसिड करता है, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं करता है, और यही यही एक ऐसा है जो दोनों एल्डिहाइड की भी, मैंने कई बार बोला है ये एल्डिहाइड की भी प्रॉपर्टी शो करता है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी शो करता है, और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करता है, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। हम बहुत बड़े
कोई कोचिंग के ओनर नहीं है, अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, पेन नहीं लेते, मन करता है तो पढ़ाते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। कोई वो नहीं कि नहीं साहब मुझे इसी से ही जीवन जीना, नहीं, ये हमारा शौक है, बस उसी शौक से अपना उसी में सब कुछ करता रहता हूँ। सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, जी बताइए। बेंजोइक एसिड तो मैटा पे आएगा ना, मैटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा क्या? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो नहीं मिल पाएगा। बेंजोइक एसिड इन्हीं में से ऑप्शन लगाइए, 30 का ऑप्शन बताइए, मैटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा क्या? अगर आप बेंजोइक एसिड का कराते हो तो यहां पर बेंजोइक एसिड नाम थोड़ा सा गलत दिया है, नाम मैं सही कर दूं, नाम गलत दिया है। हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, सल्फोनेशन हमें बेंजोइक एसिड का कराना है। जब हम H2SO4 से कराएंगे, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ओल्ड है इसलिए बदल रहा है, यहां पर तो COOH ही रहेगा, ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा SO3H। ये आज स्ट्रांग है तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड आता है इस समय, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, सही कर लीजिएगा, सल्फोनिक नहीं आएगा, क्योंकि पहले पुरानी किताबों में SO3H को स्ट्रांग माना था और COOH को लोअर, लेकिन अब COOH स्ट्रांग है और SO3H लोअर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिओम जी आप सहमत हैं, साइलेंट मोड में चले गए भाई सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट, 31 वाले का जवाब दीजिए, सी, ठीक, सही जवाब दिया आपने सी। मनु, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, नहीं घुलेगा जी। एस्प्रिन, ये क्वेश्चन भी PGTs में खूब आया है, इसके आगे भी PGT बना लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मत्था टेक लीजिए, किस करने का मन कर रहा हो तो इसे किस भी कर सकते हो। एस्प्रिन इज एन एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, 32 वाले को बताइए। ऑर्थो कंडीशन पर लगता है ना, ऑर्थो पर ये है क्या? एस्प्रिन इज एन एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं ना, इसे हम लोग सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिक्सड इन, वाह हा, कितना बढ़िया क्वेश्चन आएगा, कोई माई का लाल नहीं जो इसे रोक ले। कल खिलाएंगे पक्का, 100%। हाँ 33 वाला बहुत सुंदर आएगा, डेफिनेट आएगा, ना आए तो फीस वापस। 33 स्टीम डिस्टिलेशन, नाइस, बहुत सुंदर, 100% नहीं, 500% नहीं, 1000% ये क्वेश्चन आएगा। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोन, ज्यादा नहीं बोलेंगे मनु, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहीं उठा के कह दो यार अनुसर को पेपर पता था। द
मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज 34 द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन एक बार ऐसा हो गया था, मैंने न्यूमेरिकल पे दावा ठोक दिया आएगा। पहला क्वेश्चन था आईआईटी जेई में, बच्चे मेरे पास आए, सर बोले आपने बताया पहला आएगा, पहला ही आ गया, क्या कारण है? मैं शांत हो गया भाई साहब, फोन नहीं उठाया मैंने 2 दिन, जल्दी नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस, तुक्के में फंस गए, काम गड़बड़ा जाएगा। बोले साहब अनुसर को पहले उठा के लाऊं वहां से। जी इसमें ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन, ये इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, बताएं मनु। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कौन सा रिप्रेजेंटेशन राइट है, विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बताइए जल्दी से। फिनॉक्साइड आयन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है इसमें? 34 सी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। पीठ थपथपा लीजिए, ए बी सी उल्टा लिख गया है। उल्टा स्कैन हो गया है। आप अपना सही कर लीजिए। चलिए 35 पर आइए, ये सही है, 35 पे आइए। द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द इथेनॉल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबलाइज थ्रू द रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। अ कंपाउंड दैट अंडरगोज ब्रोमिनेशन इजिली, जिसका ब्रोमिनेशन आसानी से हो जाए, तो जिस पर सपोर्टिंग ग्रुप लगा होगा वही आसानी से हो जाएगा, तो टॉलिन में हो सकता है, लेकिन टॉलिन से बेटर फिनॉल में होगा, टॉलिन से बेटर फिनॉल में होगा, टॉलिन में हो सकता है लेकिन टॉलिन से बेटर फिनॉल में होगा, क्योंकि लोन पेयर भी वहां दे रखा है। 36 वाले का जवाब दीजिए, दोनों में है, टॉलिन में भी हो सकता है ब्रोमिनेशन और फिनॉल में भी हो सकता है, लेकिन इजिली फिनॉल में ही होगा। कंपेयर कर दीजिए तो फिनॉल आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इजिली एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बताइए जल्दी से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? 37 वाले को सुना है आपने, इसे काबिल है बहुत रिएक्शन है, ये बहुत काबिल रिएक्शन है, ये 37 रिएक्शन इज वेरी काबिल रिएक्शन, बहुत आती है। रिमर टीमेन, वेरी गुड, नाइस, रिमर टीमेन बहुत आती है, मैं इसे काबिल इसलिए बोल रहा था कि बहुत नहीं, काबिल है मीन नहीं है भाई, ये रिमर टीमेन रिएक्शन है भावना। कार्बिल एमीन ने मैं काबिल बोल रहा था, बहुत आती है, आप कंफ्यूज होंगे उतने देर में। 37 पर आइए, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सभी ने जवाब सही दिया है, काबिल मतलब बहुत आती है रिएक्शन पीजीटीज के एग्जाम में, पढ़ी लिखी रिएक्शन है, पीजीटीज लिखिए। कार्बिल एमीन तब होता जब यहां NH2 होता, समझ गई, कंफ्यूज ना करो अपने आप को। 38 वाला बताइए, ये वाला मैंने कराया है, ये कराया है ना, NH2 ग्रुप लग जाएगा। 38 वाले को देखो, 38 वाले को X स्टैंड X बनाया है ना, तो या तो ये बने या ये बने, इनमें से दो ऑप्शन है। अब SN और SCl लिया है तो रिडक्शन होना है, सी ही ऑप्शन होगा। केवल SCl सवा, ये वाली अगर यहां पर हम लोग NH2 होता तो फिर ऑप्शन बी हो जाता। इन
इन एसिडिक मीडियम नाइट्रोबेंजीन पढ़ाया मैंने, बताइए अपने आप आंसर बताइए 39 का, फिर आंसर ढूंढेंगे। 39 का जवाब क्या होगा? इन एसिडिक मीडियम नाइट्रोबेंजीन इज ड्यू टू एनिलीन इज शोन इन द रिएक्शन। इसमें हमें लग रहा है रिएजेंट पूछा होगा, 39 हमें लग रहा है रिएजेंट पूछा है। बताइए इनमें से, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन द रिएक्शन इज, बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39। ऊपर वाला ही था ना, ऊपर वाला भगवान है, हाँ? बहुत सुंदर, ये देखो आ गया, फिर आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40वां बता दीजिए, मेटा डायरेक्टिंग है ना, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, ए हो जाएगा। हाउ दिस कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड, 41 का पटाखा छोड़ दीजिए, 41 पे पटाखा छोड़ दीजिए, बताइए जल्दी से, एक्सप्लोसिव है ना, एक्सप्लोसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलवा 42, मोस्ट बेसिक ये तो नहीं होगा, मोस्ट तो नहीं, ये तो कतई नहीं। पैरा पे मिथाइल सपोर्ट करेगा, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन भी है और बेंजाइल एमीन भी है। देखो आपकी बताने के अनुसार एक जगह क्वेश्चन था लुगना, याद होगा, ई ऑप्शन सही है, ठीक है, ई आएगा, बिल्कुल सही है। यहां पर बेंजाइल ग्रुप लगा, ये बेंजाइल एमीन हो गया, ठीक है। मिथॉक्सी और इसकी प्रॉपर्टीज लगभग मैच करती है, थोड़ा सा ये ज्यादा सपोर्ट करता है, मैंने बोला भी था, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को मैंने देखा भी बाद में, तो देखने के बाद पहले मुझे लगा था यही, तो आंसर में थोड़ा सा केबी की वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन इसकी वैल्यू 0.10 थोड़ी सी आगे है, तो आंसर हम इसी को मानेंगे सेट। अगर बीच में मैंने, मुझे याद है मैंने पिछली बार पैरामिथॉक्सी बता दिया था, वो उसकी वैल्यूज मैंने चेक की थी, लेकिन वैल्यू बेंजाइलामीन की ही ज्यादा आ रही थी, तो जवाब आपका बेंजाइलामीन ही राइट मानिएगा, वहां पर भी राइट मान लीजिए अगर मेरे मुंह से ये चीज निकली है तो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने आप को अपडेट कर लेनी चाहिए, और आपको अगर मैं अपडेट करता हूं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, यही आएगा बिल्कुल 100%। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को नोट किया करिए आप लोग, एक कॉपी बना लीजिए, जहां पर सर इंपॉर्टेंट बोलते हो उन पे आप नोट करिए उन्हें, तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भंडार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 43 वाले का जवाब दीजिए, पैरा मिथाइल एनिलीन है और मेटा मिथाइल एनिलीन है, एनिलीन है और ऑर्थो मिथाइल एनिलीन है, पैरा सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो सबसे कम होगा, क्योंकि आर्थो जो होता है वो मेन से भी कम होता है, आर्थो इफेक्ट आप समझिए यहां पर, आर्थो इफेक्ट आपको पढ़ाया था मैंने, आर्थो इफेक्ट मैंने पढ़ाया था कि जो आर्थो प्रोडक्ट होता है, पढ़ाया था अनुराधा आपको याद होगा, ए ऑप्शन आएगा, जी ए ऑप्शन आएगा, एनिलीन ज्यादा होता है, ऑर्थोमिथाइल कम हो जाता है मेन प्रोडक्ट से। जी ए होगा,
इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा 44 वाले का, 44 वाले का, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन है बना करके बताइए। यहां पर एसाइलेशन हो जाएगा एन, उसके बाद ये ब्रोमीन लग जाएगा, यानी ये NH2, यहां पर आपका ब्रोमीन लग गया, आसान हो जाएगा ब्रोमीन लगना। सेम ऑप्शन दिख रहे हैं तो हमें सेट करना पड़ेगा, गड़बड़ लग रहा है, बनाना पड़ेगा। सेम है, बिल्कुल सही है, दोनों सेम है, सही करना पड़ेगा ऑप्शन। यहाँ पर क्या बनेगा चेक कर लेते हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ पर हम NHCOCH3 ले लेते हैं, इसका हमने ब्रोमिनेशन कराया तो फिर BR यहाँ नहीं जुड़ेगा, BR यहाँ जुड़ेगा, ये ऑप्शन आएगा, ये से सही कर लीजिए, बी ऑप्शन ये आएगा, सही कर दीजिए। समझ में आ गया ना, सही है। अब ये एक्स बनाओगे तो यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। यहां BR, यहां पर वापस NH2, ठीक, सही कर लीजिए। पैंतालीस बताइए, 45 विच इज मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 45। अभी बताया बेंजाइल एमीन होगा, इन द रिएक्शन, इसको हम लोग अभी आपको शिप्स बेस के नाम से बताया था, पिछली बार भी समझाया था, शिप्स बेस है। Which of the following is the weakest base? पहला ही वाला हो जाएगा weak. अड़तालीस वाला बताइए, 48. When aniline is warmed with CHCl3 and alcoholic KOH, phenyl isocyanide बनता है। 48 का ए कार्बेलेमीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बेलेमीन। अजय समझ में आ रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, यहां पर CH2NH2 हो जाएगा, फिर उसी का रिएक्शन करा दो तो CONH2 हो जाएगा। तो 49 वाले में ये तो है नहीं, फोर्टी नाइन में पहला नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं, मिनिमाइज कर दूं जरा इसे। ये बनेगा ये CH2NHCOCH3, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने देखा ना NH ऊपर था ना NH2, तो इसका एसाइलेशन हो गया था, और एसाइलेशन करने के बाद फिर हम लोगों ने एसाइलेशन ही करा दिया था, पहले CN था ना, CN तो CN था, CN को CH2NH2 बनाया था ना हमने, CH2NH2 बनाया था, तब एसाइलेशन उसका किया था, है ना, CN था यहाँ पर, आपको याद होगा यहाँ पर CN था,
फिर इसका सेलेक्शन कराओ तो यही ग्रुप चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50, बताइए द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड, किस कैटेगरी में जाएगी रिएक्शन, ये किस कैटेगरी में जाएगी रिएक्शन।